आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। जो गेम है ना ये क्रिकेटर्स की है, ये क्रिकेटर्स को की क्या ये प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे बाहर से लोग आके जब हमला करते हैं और समझते हैं जी कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं, और फिर मैं तो यही कहूंगा कि एक बंदे को लाने के लिए नजम सेठी को आपको पूरी आपने कॉन्स्टिट्यूशन बदल दी उनको एडजस्ट करने के लिए, ये मैंने दुनिया में कहीं होते हुए नहीं देखा। यानी कि एक तौर तरीका होता है, फिर मिडल ऑफ द सीजन जब टीम्स आ रही हैं, फिर आपने चीफ सेलेक्टर बदल दिया, चाहे वो अच्छा काम कर रहे थे गलत कर रहे थे, पॉइंट ये कहने का है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई इज्जत के साथ आप लोगों को रवाना करते हैं। इसी तरह से 2:15 बजे वो ट्वीट कर रहे हैं रात को कि जी रमेश राजा बाहर हो गए हैं, मुझे मुबारकबाद देना शुरू करते हैं, मैंने टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, ये मेरा प्लेइंग फील्ड है, आप समझे या नहीं। तो आपको फिर आपको चुभन और हर्ट होती है, इसलिए कि ऐसे लगता है जैसे कोई मसीहा आ गए हैं जो कि क्रिकेट को पता नहीं कहां से कहां ले जाएंगे। हालांकि हमें पता है कि इनके मोटिव्स और हैं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है कि ये क्रिकेट की एडवांसमेंट के लिए डेवलपमेंट के लिए आए हैं, ये चौधराहट के लिए आए हैं और इनको शौक है कि किसी तरह से इनको लाइमलाइट मिल जाए, और ना कोई लेना देना क्रिकेट में, ना कभी बैट उठाया है, और उठ के और चेयरमैन लगा देते हैं। चलती हुई एक हमारी एक तरह से जो एक, और फिर आपका 3 साल का टेन्योर है, हमसे पॉइंट देने का ये या तो आपका टेन्योर खत्म हो रहा हो ना। इसी तरह से मिडल ऑफ द सीजन आप कह रहे हैं जी कि वो मिकी आर्थर को लेके आ रहे हैं, सकलैन मुश्ताक का वैसी जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। सकलैन मुश्ताक ने 50-60 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, आपका वो आपका ग्रेट वो क्रिकेटर रहे हुए हैं। ये तरीका नहीं है क्रिकेटर्स को इस तरह से ट्रीट करने का। जो क्रिकेट है ना जी, ये तो हमारी फिर बर्बादी होगी, इसलिए कि जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और इस तरह से बैकडोर से आप बंदे अंदर आ जाएंगे तो आपका क्या लेवल रहेगा, उस पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना। क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर, क्रिकेट सिस्टम पे प्रेशर, क्रिकेट टीम पे प्रेशर, बाबर आजम पे प्रेशर, क्योंकि सडनली उसको नए बंदों के साथ अब काम करना है, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज हारा हुआ है तो, और उसके बाद फिर अब उसको मिजाज समझना है नई एडमिनिस्ट्रेशन का, मिडवे थ्रू द सीजन ये सारी चीजें आप करें। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसका टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सिर्फ सारी दुनिया में ये पाकिस्तान में हो सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें बंदे को एडजस्ट करने के लिए, या उसके ठग्स को लाने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। ये मैंने आज तक कहीं होते हुए दुनिया में कमेंट्री की है, मैं यू नो एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर हूं, और अभी मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके भी लेक्चर दे रहा हूँ ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ, जहां पे मलका एलिजाबेथ से लेके आइंस्टाइन से लेके सारे लोगों ने लेक्चर दिया हुआ है, और वहां पे भी मैं रेज करूंगा इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, ये क्या ये कोई मजाक है हमारी क्रिकेट के साथ। क्योंकि लोगों में गुस्सा है इस चीज का, चाहे परफॉर्मेंस कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका जब उसका टेन्योर है उसको चलने देना चाहिए। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जरा तस्करा करते हैं खेलों के मैदानों में। पाकिस्तान में खेलों के मैदानों में सियासत ना हो ये कैसे मुमकिन है? हमने देखा कि कुछ अरसे पहले जब रमीज राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बने तो उन्होंने बड़ी सारी बातें की, दावे किए, और उनका जो अदवार दौर रहा वो काफी हद तक बहुत सी कामयाबियों और बहुत सी नाकामियों से भरा हुआ रहा, और ये बात हर दौर के बारे में कही जा सकती है कि जब भी कोई चेयरमैन मुंतखब होता है तो उसके दौर में बहुत से काम होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ पाए तकमील तक पहुंच जाते हैं और कुछ आधे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से रमीज राजा साहब की बरतरफी हुई और नजम सेठी साहब को एक बार फिर से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया गया, इस तमाम सूरत-ए-हाल ने एक और कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। जिस तरीके से रमीज राजा साहब गए, रुखसत हुए, और उसके बाद जब उन्होंने मीडिया पे आके अपने सोशल मीडिया पे और मेनस्ट्रीम मीडिया पे आके जो गुफ्तगू की, जो बातें बताई, उस तमाम तर गुफ्तगू को, तमाम तर बातों को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी अखबारों की जीनत बनाया, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए यकीन तौर पर किसी भी तौर से खुशाइन मौका नहीं होगा कि पाकिस्तान के दो चेयरमैन, मौजूदा और साबिक चेयरमैन के दरमियान इस तरह की गुफ्तगु मीडिया पे दिखाई जाए। इसी हवाले से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं गुफ्तगू करने के लिए वीनस स्पोर्ट्स के, वीनस टेलीविजन के हमारे साथी, और आप अक्सर इनको तजियों में देखते हैं स्पोर्ट्स के अखबार से, बहुत ही तजुर्बाकार शख्स हैं, सीनियर एंकर तजियाकार जनाब रियाजुद्दीन साहब, इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीलियां हैं, आखिर इन तब्दीलियों का असर क्या होने जा रहा है और इसका नतीजा क्या होगा। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, पहले तो आपने नजर से गुजरा होगा कि रमीज राजा साहब ने कल रात एक मीडिया टीवी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें काफी सारे इंकशाफात किए गए, और उससे पहले भी कल ही के दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे सवालात थे, बाम थे पाकिस्तानी अवाम को, उनका भी जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है अब ये मामला कहां तक जाने के जाएगा? थैंक यू वेरी मच मुनीर भाई। मुनीर भाई, बात यह है कि अगर जहां तक रमीज राजा का ताल्लुक है तो रमीज राजा एक मतलब अपनी जब उनकी मतलब एरा चल रहा था क्रिकेट खेलने का तो उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार थी, बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर था,
और जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी तो आपने देखा कि बहुत दिनों से वो यूट्यूब चैनल चला रहे थे, फेसबुक पे आ रहे थे, और वो सारी मतलब ये कि चीजों को समझते हैं, जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं, क्रिकेटर तो वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से कम अज कम जो चीजें उन्होंने ज्यादातर कही है वो नहीं कहनी चाहिए थी। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे तो बहुत सारे काम उन्होंने अच्छे भी किए और कुछ चीजों का वादा किया जो वो नहीं कर सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप दूसरी जानिब देखें तो सियासी वाबस्तगी से खत नजर अगर हम देखें तो नजम सेठी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि आप रमीज राजा को क्रिकेट कमेंट्री करने का मौका देंगे, तो उन्होंने कहा था मेरी तरफ से कोई मतलब ये कि रुकावट नहीं है, वो चाहें तो कमेंट्री कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान किसी बड़े मतलब ये कि मनसब पे फाइज होता है और तो उसको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और उन्होंने नजम सेठी साहब ने ऐसे ही किया। लेकिन रमीज राजा जो थे वो इतना मतलब ये कि वैसे चेयरमैन एक अच्छी पोस्ट में ट्राई कर चुके थे, उनको कम अज कम इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। इसलिए उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी लोग मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, ज्यादातर चेयरमैन या सीईओ, तो उनका ताल्लुक यानी उनकी यकीनन कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी होती है, जिसकी वजह से वो उनका एक कंफर्ट लेवल होता है हुकूमत के साथ जब वो इस तरह की पोस्टों पे आते हैं। अगर हम तारीख पे नजर डालें तो आप ये देखें कि मुख्तलिफ खेलों की जो फेडरेशन है उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी कमोबेश इसी तरह के रहे हैं जो हुकूमतों से मतलब उनका कंफर्ट लेवल रहा है। तो पीसीबी में भी यही होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आप किसी मनसब से कथा कराने की माजत, रमीज राजा साहब जिस आइन के की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद था पीसीबी का, उसको रातों रात तब्दील किया गया किसी की गुंजाइश बनाने के लिए, और वो ये बात भी कह रहे हैं कि वो इस मैटर को इंटरनेशनली काफी ज्यादा हाईलाइट करेंगे, रिकग्नाइज बॉडीज के पास लेके जाएंगे, और यकीन तौर पर इससे पाकिस्तान के लिए तो एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो कोई भलाई नजर नहीं आती। नहीं बिल्कुल, देखें इस तरह की मतलब मैं ही समझता हूँ कि रमीज राजा जितने पढ़े लिखे इंसान थे और जो उनसे मतलब जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन कायम की गई थी गो के वो उस तरह से पूरे काम नहीं कर सके, उसकी यकीनन बहुत सारी वजूहत होंगी, बहुत सी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जो इंसान प्लान करता है लेकिन नहीं कर सकता। लेकिन अगर उनको हटाया गया है तो उनको भी मेंटली मतलब प्रिपेयर होना चाहिए था, उनका माइंड मेकअप होना चाहिए था। उन्हें पता था कि जब हुकूमतें चली जाती हैं तो इसी तरह से आपको हटा दिया जाता था। और आपको मैं आप ये बात बताता चलूं, जब वो पहली मरतबा यहाँ पर चेयरमैन बनने के बाद कराची आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, मीडिया से वो मिले थे, तो सबसे मतलब ये कि जो उस वक्त सवाल उनसे यही किया गया था कि देखें यहाँ पे पॉलिटिकल मतलब वो होती हैं जिस तरह से लोगों को लेके आते हैं, तो कल अगर हुकूमत चली जाती है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक मिनट भी नहीं लगाऊंगा और मैं जो हूँ इसको छोड़ दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब उन्हें अपनी बात का पास करना चाहिए था और उनको बिल्कुल ये चीज अपने जहन में रखनी चाहिए थी मार्जिन और प्रोविजन के, जब हुकूमत चली गई है और वो हुकूमती की वजह से आए थे तो यकीनन वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। तो मतलब ये कि अब वो चले गए तो उनको मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और मतलब कि अगर जहां तक इंटरनेशनल फोरम पे ले जाने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है वो लेके जाए, लेकिन इस तरह का कोई भी जो है फोरम उसको एंटरटेन इसलिए नहीं करेगा कि हर मुल्क के अपने हालात होते हैं और उन हालात में उनके जो बोर्ड्स हैं वो काम किया करते हैं। आप ये देखें कि पहले ही मुनीर भाई क्रिटिसिज्म काफी आया था जब मतलब इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और उसके मौजूदगी में इन्होंने डिपार्टमेंट से टीमें खत्म कर दी थी, मतलब कि जॉब और कैरियर खत्म कर दिया था खिलाड़ियों का। लेकिन वो जो इकदाम किया था रियासत, वो रमीज राजा साहब का विजन तो नहीं था, वो तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था, जो वो कई अरसे से कहते रहे कि वो इस सिस्टम के मुखालिफ है और वो एक ऑस्ट्रेलियन तर्ज का सिस्टम वो तकलीक करना चाहते हैं। तो वो तो उसमें तो रमीज राजा साहब ने तो चेयरमैन या ये कहा जाए कि उस वक्त के वजीर आजम की हिदायत के ऊपर अमल किया ना। हाँ लेकिन किया था, लेकिन मनीर भाई बात यह कि जब आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप कप्तान भी रहे हैं और आप एक इतनी बड़ी पोस्ट एंजॉय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मतलब ये रेजिस्ट करना चाहिए। एक जो इज्तिमाई मफाद होता है, और जहां आप ये देख रहे थे कि हमारा मुल्क जो है वो उस तरह का तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जिस तरह की मिसालें दी जाती हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लें, इंग्लैंड की लें, न्यूजीलैंड की लें, तो उनकी कंपेरेटिवली उनकी आबादी कम है और उस हिसाब से वहां की टीमें ज्यादा हैं, और जबकि हमारी आबादी 22 से 24 करोड़ है और हमारी टीमें आपने 24 से कम करके 6 कर दी,
तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं वो किस तरह से एडजस्ट होंगे? आप ज्यादा 100 लड़कों को मतलब देखे अपने उस पर पेरोल पे ले लेंगे, 150 पे ले लेंगे, लेकिन जो अगर आप 24 टीमें लगाएं और इतने सारे डिपार्टमेंट्स लगाएं तो वो तो हजारों मतलब प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी जॉब खत्म हो गई और उनके खानदान जो है बगैर मतलब देखे जाहिर उनको ये नुकसान उठाना पड़ा कि उनके जो लोग थे उनसे वाबस्ता वो नौकरियों से चले गए, तो उनको तो एक क्राइसिस आ गया। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की मिसाल लेते हैं, उनकी आबादी का हमें वहां पे कोई 12-14 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, हमारी आबादी 24 करोड़ है, हमने सिर्फ 6 टीमों पे उसको मुहित कर दिया। तो ये तो रमीज राजा को वहां बात करनी चाहिए थी, अगर वो आज इस तरह से बात कर रहे हैं तो ये बात तो उनको इमरान खान के सामने करनी चाहिए थी। रिया साहब, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि रिजिस्ट किया जा सकता था, लेकिन अब जो एक दाम उठाया गया, मुझे जरा ये बताइए कि इंटरनेशनली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं, ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि जो क्रिकेट लवर्स हैं या जो साबिक खिलाड़ी हैं उनका कहीं ना कहीं टिल्ट रमीज राजा साहब की तरफ होगा? नहीं, मैं मेरा ख्याल नहीं है, मैं भी कोई मतलब 20 साल से बाहर मुल्क में जा रहा हूँ और मैंने कमोबेश 5-6 वर्ल्ड कप जो है दुनिया में कवर किए हैं और बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता रहा है, बहुत से मीडिया के लोगों से। मैं नहीं समझता कि वहाँ के लोगों को हमारे मतलब इस बोर्ड के मामलों में इनका इतना कोई इंटरेस्ट हो। हाँ, उनका इंटरेस्ट ये जरूर होता है कि हमारी टीमें जो हैं पाकिस्तान जा रही हैं, वहाँ पे हालात ऐसे हैं, वो खेल सकती हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रही है, पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल परफॉर्मेंस क्या है और हमारी टीमें। हाँ, उनको विकटों से जरूर कंसर्न होता है कि जिस मतलब पाकिस्तान में हमारी मतलब टीमें जा रही हैं वहाँ की विकटें कैसी हैं, वहाँ की विकटें पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं और सपोर्टिव हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर वो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट अगर पाकिस्तान में आई है तो वो किस मेयार की क्रिकेट हो रही है, क्या वाकई पाकिस्तान उसको डिजर्व करता है, मेरिट पे आता है, तो ये चीजें वो देखते हैं। वो उनको मेरे ख्याल से सुन तो लेंगे लेकिन उनको इससे कोई ऐसा कोई मतलब उनका ये मसला नहीं है। ठीक हो गया। और ये भी इस पे ऐड ऑन कीजिएगा रियाज साहब, ये जो आपने खुद भी कहा कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट बोर्ड है वो पॉलिटिसाइज है, जो वक्त का हुक्मरान होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी मंशा होती है और वो अपनी मर्जी की टीम अपनी मर्जी का चेयरमैन मुंतखब करता है। अब मुझे जरा ये समझाइए कि इस वक्त हमने देखा कि हुकूमत तब्दील हुई तो रमीज राजा साहब की तब्दीली हो गई, अब आने वाले चंद दिनों में नजम सिटी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैनेजमेंट के मामलों से भी बखूबी वाकिफ हैं, मुझे ये बताएं ना कि अगले 3 से 4 माह में इलेक्शंस पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड हैं और अगर इन इलेक्शंस के नतायज जो भी होंगे, अगर मैं ये समझ लूं कि शायद नतायज मौजूदा गवर्नमेंट की फेवर में ना गए तो फिर एक बार फिर हमें ये ब्रेकडाउन नजर आएगा, ये कंटिन्यूटी फिर हमें खराब होती हुई नजर आएगी, एक बड़ी तब्दीली फिर देखने में आएगी। जी बिल्कुल मनीर भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और हमारी जब नजम सेठी साहब जब यहाँ पहली मरतबा चेयरमैन बनने के बाद, यानी अब तो पहले टेन्योर में थे, अब ये दूसरे टेन्योर में जब वो चेयरमैन बने और कराची कल तशरीफ लाए थे, यहाँ मीडिया से उन्होंने मुलाकात की, तो शायद जितने भी मीडिया मैन थे उन्होंने उनसे सवाल भी किए, तो उनकी जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसका जो लुबाब था वो ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर है, उनका माइंड मेकअप है और वो ये समझते हैं कि मतलब ये कि मुझे अगर मतलब वक्त मिला, वजीर आजम जब तक रहेंगे मौजूदा उस वक्त तक वो कहते हैं कि मैं जाहिर है अपना काम करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि जब मैं गुज़श्ता, लेकिन मुझे रियासत ये समझाया ना कि एक शख्स जिसको इस बात का कम से कम इस बात का ये कहा जा सकता है कि 4 से 5 महीने का टेन्योर है, वो उस अरसे में क्या पॉलिसी मेकिंग करेगा, क्या सिस्टम को रीडिजाइन करेगा, क्या मामलात को बेहतर करेगा, ये तो फिर खुद एक बड़ा मुश्किल फैसला होगा नजम सेठी साहब के लिए। नहीं देखें, ये तो एक लॉबीज होती है, उनका मतलब ये सिलसिला होता है, तो नजम सेठी साहब को बनना था वो बन गए और देखें मतलब इससे किसी को कोई गर्ज नहीं होती कि वो कितना काम करेगा क्या नहीं करेगा, बस उससे गर्ज होती है कि हाँ भाई वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो आ गया है, तो वो मतलब चीजों को भी इंजॉय करता है, यकीनन उनकी ख्वाहिश भी होगी, उनकी कोशिश भी होगी कि वो बहुत सी ऐसी चीजें कर सकें जो वो पिछले टेन्योर में नहीं कर सके, तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने अपने कई एक चीजें मतलब गिनाई कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो इस वक्त सारे मीडिया पे मौजूद हैं, तो यकीनन उनको इस बात का इल्म है, जो आपका सवाल है उनको इस बात का इल्म है कि जब तक ये हुकूमत है जब तक तो वो काम करेंगे, लेकिन जाहिर है जब नई हुकूमत आएगी तो उसके बाद फिर वो काम नहीं कर सकेंगे, तो ये सारी चीजें इनकी नजर में और सबकी नजर में होती हैं। तो मैं यही कह रहा था अभी कि देखें रमीज राजा की जो शख्सियत है और जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जितने बड़े वो प्लेयर रहे हैं और जितने बड़े मतलब वो पढ़े लिखे माशाल्लाह इंसान है, उनका बड़ा इंटरेक्शन है और उनको बात करने का तरीका भी आता है, लेकिन वो कल काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए और इतनी बड़ी शख्सियत का मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आपने देखा कि आखिरी दिनों में वो मीडिया से थोड़ा सा दूर हो गए थे,
और मीडिया से उनको थोड़ी सी शिकायतें भी हो गई थी। जब आपको किसी से शिकायत होती है तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए, मीडिया से अगर शिकायत नहीं थी तो आप बैठते उनसे बात करते, लेकिन इस तरह से पब्लिकली मतलब ये कि मीडिया पे मीडिया के खिलाफ बात करना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। और ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी, हालांकि उनको इस बात का इल्म था कि जब उनकी मतलब जाहिर है इमरान खान की हुकूमत चली गई थी, उन्हें इस बात का इल्म था कि उनको हटा दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि उनको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए था और उनके अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए था, और उनके लिए अभी भी मौका है कि वो जो है इन मामलात को मतलब सही करें। और मतलब आप चूंकि YouTube चैनल पे वो दोबारा आएंगे, Facebook पे दोबारा आएंगे, जैसा कि आपने बताया कल एक निजी टीवी चैनल पे थे और अपने मतलब YouTube पे भी थे, तो उनको एक पॉजिटिव मतलब वे में चीजों को लेके जाना चाहिए ताकि एक मार्जिन और प्रोविजन रखें कि अगर आइंदा कोई ऐसा दौर आता है उनके फेवर में तो वो इस काबिल हो सकेंगे, वो चेयरमैनशिप दोबारा संभाल सके और लोग उनको वेलकम। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं चाहूंगा जरूर कमेंट कीजिएगा रिया साहब, इस वक्त पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेके काफी ज्यादा अहमाम पाया जा रहा है। अक्सर इस तरह की इत्तला आ रही है कि मुख्तलिफ थ्रेट अलर्ट्स भी हैं, मुख्तलिफ शहरों की बात भी आती है, क्योंकि इस वक्त कोई भी चीज हतमी नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जो थ्रेट अलर्ट्स का अब पाकिस्तान में आना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना एक मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये क्रिकेट पाकिस्तान में आई थी और हम देख रहे थे कि बड़ी टीमें बुलाकर पाकिस्तान आना शुरू हुई, फिर पाकिस्तान एशिया कप की तैयारी भी कर रहा है, पाकिस्तान को बड़े इवेंट्स को होस्ट करना है, इस तरह के थ्रेट अलर्ट्स का आना इस वक्त कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नहीं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हालात बेहतर करेगा। और आप ये देखें कि गुज़श्ता सालों में भी हमें थ्रेट थे, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कुर्बानियां दी, इसमें शहरियों की कुर्बानी भी शामिल थी, और उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान में अमन कायम किया, और उसके नतीजे में दुनिया भर में हमारा आपने देखा कि हमने PSL कराया, अपनी इस प्रोडक्ट को दुनिया में बेहतर तरीके से इंट्रोड्यूस किया, उसके जरिए एक सॉफ्ट इमेज पैदा हुआ और फिर इंटरनेशनल टीमें यहाँ पे आना शुरू हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे सिक्योरिटी के हालात जो है बेहतर रहेंगे और हमारे सिक्योरिटी इदारे भी उसी तरह से अलर्ट हैं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए मुश्किलात जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि जो स्टेडियम तक जाने के जो मामला हम देख रहे थे ईज आउट हो रहे थे, वो एक रिलैक्सेशन मिली थी, शायद एक वक्त के लिए फिर हम देखेंगे कि वो मुश्किलात में इजाफा होगा शायकीन क्रिकेट के लिए। देखिए, क्रिकेट तो पाकिस्तानियों का पैशन है और वैसे भी खेलों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। अभी हालिया फुटबॉल वर्ल्ड कप था, आपने देखा पाकिस्तानी मतलब जो शायकीन है उनका जोशो खरोश था, दीद नहीं था। जहां तक मुश्किलात का सामना है तो इससे कबल ही पाकिस्तानी जो शायकीन है उनको 8-10 साल से तजुर्बा है कि वो जो है मतलब मुश्किलात से बर्दाश्त करके वो ये स्टेडियम में आते हैं, मैचेस देखते हैं, अपनी टीमों को बकअप करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे शायकीन के जज्बे में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी, बस उनको तो ये इंतजार होता है कि बाहर की टीमें आए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को देखें, बाहर के खिलाड़ियों को देखें। तो पाकिस्तानी जो है वो जिंदा कौम है, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के तालिबिल, पाकिस्तान के नौजवान। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो है जिंदा कौम है और इंशाल्लाह ताला हमें जो है कोई डरा नहीं सकता और अल्लाह ताला बेहतर करेगा हमारी सिक्योरिटी। हम सब दुआ गए और इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छा काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, हमारे साथ मौजूद थे, हमारे वीनस टेलीविजन के हमारे साथी और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मौजूद थे। और यकीन तौर पर हम सब दुआ गए हैं कि इस वक्त PCB के जो मामला है वी एक्सपेक्ट के वक्त के साथ ये भी बेहतर होंगे, और ये जो तैनाती तकरीरी का जो मामला है, जो पॉलिटिसाइज है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कभी बाहर आ सके, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख रही है उसमें तो फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और यही अगर देखा जाए तो इस पस मंजर में शायद आने वाले दिनों में भी कुछ इस तरह की चीज होती हुई दिखाई तो नहीं देती। लेकिन यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाहे क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो भी मामला हो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक अच्छा परफॉर्मेंस देना ये बहुत ज्यादा अहम होगा। दूसरी जानिब सरफराज अहमद साबिक क्रिकेट साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट के जब वो वापसी आए, हमने देखा कि उनकी परफॉर्मेंस के बाद जो शायकीन क्रिकेट थे उनकी तरफ से भी बड़ा जबरदस्त रिस्पांस आया। जहां पे टीम का अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सिक्योरिटी की सूरत हाल वो भी बहुत बेहतर होना जरूरी होगा। इस वक्त पाकिस्तान किसी भी तौर पे कोई भी इस तरह के वाकये का मुतामिल नहीं हो सकता जहां पे इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए कोई बुरी खबर नजर आए, और खासतौर पर सिक्योरिटी के एतबार से जो भी पाकिस्तान में आ रहे हैं ट्रेवलर्स टूर्स और जो भी टीम्स आ रही हैं उनके लिए जो मामलात हैं वो आसान है। यही हम दुआएं उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि पाकिस्तान में अमन अमान की सुरत बरकरार रहेगी। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं The Daily Show with Munir Memon.